कथा लोक गायन की एक विधा है जो पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्रों में प्रचलित है। बिरहा प्रायः गांव देहात के लोगों द्वारा गाया जाता है। बिरहा की उत्पत्ति बिरह से हुई है, जिसमें लोगों के सामाजिक वेदना को आसानी से दर्शाया जाता है और श्रोता मनोरंजन के साथ साथ छंद काव्य के गीतों व अन्य रसों का आनंद भी लेते हैं। बिरहा अहिरों का लोकप्रिय हृदय गीत है। पूर्वांचल की यह लोक गायकी मनोरंजन के अलावा थकावट मिटाने के साथ ही एक रस्ता की ऊप को मिटाने का एक उत्तम साधन है। भोजपुरी बिरहा का जन्म आज के लगभग 150 साल पहले बनारस में हुआ था। आदि गुरु बिहारी यादव बिरहा के जनक माने जाते हैं। बिहारी यादव का जन्म 1837 ईस्वी में गाजीपुर जिला में गोपालपुर गांव में एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। बिहारी अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया, जिस कारण बिहारी की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाई। 14 साल की उम्र में ही बिहारी बनारस आ गए और बनारस के कर्णघंटा मोहल्ला में छापाखाना में मजूरी करने लगे। छापाखाना में बिहारी के एक दूर के रिश्तेदार पत्तू यादव भी काम करने लगे और दोनों लोग साथ ही रहने लगे। बनारस के लक्ष्मी कुंड मोहल्ला में लक्ष्मी मंदिर पर स्वामी शिवानंद महाराज रोज रामायण पर प्रवचन किया करते थे। बिहारी और पत्तू भी रोज प्रवचन सुनने जाया करते थे। पूजा पाठ और भजन कीर्तन में बिहारी की विशेष रुचि थी, जिस कारण शिवानंद महाराज इनसे काफी प्रभावित हुए। रामायण की कथा सुनते सुनते बिहारी के मन में कविता रचने का भाव पैदा होने लगा और एक दिन उन्होंने दो पंक्तियों की रचना कर दी। मम पर रहम करो हरदम महेश मस्तक गंध शरणम। बिरहा के आदि गुरु की यह पहली रचना थी। अगले दिन इन दोनों पंक्तियों को बिहारी ने शिवानंद महाराज को सुनाया तो स्वामी जी आश्चर्यचकित रह गए। स्वामी जी ने कहा कि बिहारी के अंदर एक बड़ा कवि बनने की क्षमता है। इसके बाद स्वामी जी ने बिहारी को दोहा छंद समया चौकड़ा टेक उठान लिखने का प्रशिक्षण दिया। शिवानंद की प्रेरणा से बिहारी रामायण वेद पुराण की कथा और इतिहास की घटना पर बिरहा लिखना शुरू कर दिया। कालांतर में लोक रंजन गीत के रूप में बिरहा का विकास हुआ। पूजा पाठ तीज त्यौहार शादी विवाह और अन्य मांगलिक अवसरों पर बिरहा गायन की परंपरा बन गई। किसी विशेष पर्व या मंदिरों के परिसरों में बिरहा दंगल का प्रचलन शुरू हो गया। बिरहा सुनने वालों की संख्या बढ़ने लगी और धीरे धीरे गांव समाज से उठकर देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक फैल गई। आदि गुरु बिहारी यादव की बिरहा जनक के रूप में पूजा होने लगी। बिरहा गायन के प्रसिद्ध गायकों में आदि गुरु बिहारी यादव, गणेश यादव, पत्तू यादव, हीरालाल यादव, रामदेव यादव, बुल्लू यादव और काशी यादव ने अपने स्वर साधना से बिरहा को आगे बढ़ाया। बिरहा जगत में उच्च शिक्षित सांस्कृतिक प्रदूषण मुक्त बिरहा के महाकवि चंद्रिका यादव जी को माना जाता है। बिरहा जगत में बिरहा के वर्तमान स्वरूप को आगे बढ़ाने वाले गायकों में बलेश्वर यादव, पंडित परशुराम यादव, बेचन राजभर, हैदर अली, ओम प्रकाश यादव, विजयलाल यादव, श्यामदेव प्रजापति, उजाला यादव और ओम प्रकाश दीवाना जैसे कलाकारों ने बिरहा जगत को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बिरहा गायन के आज दो प्रकार सुनने को मिलते हैं। पहले प्रकार को खड़ी बिरहा और दूसरे प्रकार को मंची बिरहा कहा जाता है। बिरहा एक ऐसा गायन है जिसकी भाषा कबीरदास की तरह पंचमेल खिचड़ी है। बिरहा में हिंदी, संस्कृत, उर्दू,
अंग्रेजी और भोजपुरी आदि सभी भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। बिरहा के कई प्रमुख अंग होते हैं, जिनमें वंदना, भूमिका, गजल या कव्वाली, दौड़ शेर या नज्म, जौहरी, गीत, टेरी, विदेशिया, पोहपट, आल्हा, खड़ी, छापा आदि का प्रयोग किया जाता है। जब किसी बिरहा का आरंभ किया जाता है तो सबसे पहले वंदना से ही शुरू किया जाता है। वंदना में सरस्वती वंदना या गुरु वंदना कुछ भी हो सकता है। बिरहा जगत में वंदना के बाद भूमिका होती है। बिरहा गायन में इसकी अहम भूमिका है। बिरहा की कवियों में जो जितनी अच्छी भूमिका लिखता है वह उतना अच्छा कवि होता है। भूमिका बिरहा का आधार होती है। बिरहा में भूमिका के तुरंत बाद एक गजल या कव्वाली रखने का उपक्रम है। बिरहा का कवि किसी गजल या कव्वाली की तर्ज पर बिरहा की कहानी से संबंधित कोई गजल या कव्वाली रचता है, जिसमें मात्र मुखड़ा ही होता है, अंतरा नहीं होता। गजल या कव्वाली के पश्चात दौड़ शेर होता है, जिसे नज्म भी कहा जाता है। दौड़ शेर के द्वारा बिरहा की कहानी का आरंभ होता है। जौहरी भी एक नज्म होती है, किंतु इसका प्रयोग केवल वीर रस की बिरहा में किया जाता है। बिरहा में गीतों के प्रयोग का भी अनिवार्यता है। नज्म या जौहरी के पश्चात एक गीत होती है। गीत किसी लोकगीत या हिंदी गीत की तर्ज पर होती है, जो बिरहा की कहानी में बाधक न होकर साधक होती है। बिरहा में टेरी दो बार होती है, एक टेरी बिरहा के मध्य में और एक टेरी बिरहा के अंत में होती है। टेरी समुद्र की ज्वार भाटा की भांति चढ़ाव और उतार से युक्त होती है। टेरी हिंदी में भी होती है और टेरी भोजपुरी में भी होती है। पोहपट एक गीत की भांति अंतरा सहित होता है। पोहपट रचते समय अनुप्रास अलंकार का विशेष ध्यान रखा जाता है। बिरहा का आल्हा मूल आल्हा से भिन्न होता है और लय भी भिन्न होती है। बिरहा में आल्हा दो तरह से गाया जाता है। आल्हा में बिरहा की कहानी को बताया जाता है। बिरहा में आल्हा के बाद खड़ी का प्रयोग किया जाता है। खड़ी द्वारा कहानी का उद्देश्य और संदेश प्रकट किया जाता है। बिरहा को समाप्त करने से पूर्व बिरहा कवि उसमें एक छापा जोड़ते हैं। छापा में बिरहा कवि के अखाड़े और उससे संबंधित मुख्य कवियों का नाम होता है। अंतिम किटेरी छापा के साथ जुड़ी होती है, जिसकी अंतिम पंक्ति में गायक और रचयिता कवि का नाम जुड़ा होता है। इस प्रकार छापा के साथ ही बिरहा का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही किसी नई कहानी के साथ किसी नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।